तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं ग्लूमार्ट कैंपिंग स्टोर। तो ग्लूमार्ट कैंपिंग स्टोर डोबोली विस्तार में, डोबोली गांव में आया है और सिंगापुर भी लगता है। तो आज हम जाने वाले हैं, तो मेरे व्लॉग में बने रहे आज दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, अभी ये मेन रोड आ गया है। अभी यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं और आगे है एस्कॉन सर्कल, वहाँ से यू टर्न लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, अभी यहाँ से जंगीपुरा डबोली ब्रिज चढ़ जाना है। आप ये देख सकते हो, अभी राइट साइड यहाँ से ब्रिज चढ़ जाना है, लेफ्ट की ओर मोड़ा बगल सर्कल की ओर जाता है। तो दोस्तों, आप मोड़ा बगल सर्कल से भी आते हो तो यहाँ मोड़ा बगल सर्कल से भी स्टेट ही आना है और डबोली ब्रिज चढ़ जाना है। तो दोस्तों, अभी आप ये देख सकते हो, अभी मैं डबोली गांव में हूँ। अभी यहाँ से राइट लेते हैं और आगे आगे मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो अभी यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं और अभी यहाँ से आगे से सिंगापुर लग जाता है। तो आपको डबोली विस्तार तो लगता ही है, लेकिन सिंगापुर विस्तार लगता है प्रॉपर। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सर्कल आएगा, ये राइट की ओर कोजवे की ओर जाता है और लेफ्ट की ओर डबोली गांव जाता है। अभी ये यहाँ से स्टेट ही स्टेट जाना है और आपको अभी रास्ता आगे से भी बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी यहाँ से राइट ले लेते हैं। तो अभी यहाँ से हरि दर्शन सोसाइटी के अंदर जाना है। तो यहाँ से फटाफट से राइट ले लेते हैं और थोड़ा ही आगे जाना है और ग्लूमार्ट कैंपिंग स्टोर आ जाएगा। अभी आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ। तो अभी यहाँ से राइट ले लेते हैं। तो अभी यहाँ से पहला घर आएगा और यहाँ पे दूसरा घर है। तो यहाँ पे एक ग्लूमार्ट कैंपिंग स्टोर है और अजय भाई उसके बीच में ही रहते हैं। ये दूसरा घर आप ये अभी देख सकते हो। तो फटाफट से गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो अभी थोड़ा आपको बाहर से थोड़ा व्यू दिखा दिया। तो अभी चलो अभी अंदर जाते हैं और अभी अजय भाई से मिलते हैं। अजय भाई ग्लूमार्ट कैंपिंग स्टोर के ऑनर है, उसके साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, आज फाइनली हम लोग ग्लूमार्ट कैंपिंग स्टोर आ गए हैं। तो आज अजय भाई से बात करेंगे। तो अजय भाई, आप कितने टाइम से चालू किया है सूरत में? ये 5 से 6 साल से कैंपिंग का इक्विपमेंट बेच रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसका अभी एड्रेस आप बता दो एक बार। ये 378 हरिदर्शन सोसाइटी सिंगापुर। अच्छा, डबोली विस्तार में है तुक में। हाँ। डबोली विस्तार में सूरत में। और अजय भाई, सूरत रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर है?
ये हमारा सूरत रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर होता है और ये डबोली ब्रिज से 1.5 किलोमीटर होता है और कोजवे से 1.5 किलोमीटर होता है। अच्छा ओके ठीक है। तो अजय भाई पहले चेयर से आज चालू करते हैं, तो पहले आप चेयर बताओ पोर्टेबल कैंपिंग में जो यूज होती है वो। ये वाली चेयर है जो फोल्डिंग है और छोटा पैकेट में आती है, मतलब इसमें फोल्ड हो जाएगी पूरा जिसे इसको ओपन करते हैं। ये इसका ये बैग है, इसमें पूरा चेयर और इसका ये पूरा मेटल मटेरियल है और जिसको इसको ओपन करने के बाद ये पोजीशन में हो जाएगा, ये बैक राइट्स के साथ में। तो अभी अजय भाई दूसरी चेयर बता रहा है, वो भी कैंपिंग में यूज होती है, बताओ अजय भाई। ये वाली जो चेयर है जो पहले देखी थी वो आयरन मटेरियल था और अभी ये जो है एल्यूमिनियम है जो लाइट वेट होएगा और ये यही मेश बैग में आएगा इसके साथ में। इसको जैसे ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन हुए, इसमें ये कोई बैक कुशन है जो सर के पास में आएगा जैसे फोल्डर में होता है उस तरीके से, और जैसे इसको ओपन होता है अनफोल्ड के बाद ये पोजीशन में होगा। ये प्रॉपर बैक रेस्ट है, इसके साथ में कुशन नेक के नेक पर ये कुशन भी आएगा इसमें। ओके ठीक है अजय भाई। तो अजय भाई अभी टेबल बताओ पोर्टेबल जो कैंपिंग में यूज होता है वो पूरा खोल के एक बार बता दो। ये मीडियम साइज है। ओके एल्युमिनियम मटेरियल में। अच्छा ओके और एकदम लाइट वेट। ओके ओके अभी रेडी हो गया पूरा टेबल, आपको एक बार नजदीक से बता देता हूँ। अजय भाई आपके पास दूसरी कुछ वैरायटी हो टेबल में तो आप एक बार बताओ। ये रहा, ये देखो 700 से 800 ग्राम इसमें वेट है, 700 से 800 ग्राम ये भी एल्यूमिनियम में है लेकिन इसमें जो अपर का सरफेस है वो क्लॉथ का, उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ओके पूरा एक बार खोल के दिखा दो। ये इसका मेश बैग है। ओके अच्छा अभी प्रॉपर रेडी हो गया टेबल। इसमें दोनों साइड ये मेश बैग है जो अच्छा कुछ छोटा मटेरियल कुछ भी कैरी करना हो इसलिए। अभी एक बार आपको नजदीक से बता देता हूँ। यहाँ पर भी सपोर्ट अच्छा है तो जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लॉथ का है तो इसका वजह से ये नहीं कि चलो कुछ भी। ओके ओके ये अच्छा है, लाइट वेट। और अजय भाई और दूसरी भी कुछ वैरायटी हो तो बताओ टेबल में, थोड़ा और पोर्टेबल चाहिए थोड़ा टेबल बताओ एक बार। ये भी है छोटा, ये वाला यहाँ से ये हैंडल है जिसमें कैरी करने के लिए हैंडल है और अच्छा बहुत ही लाइट वेट है। अच्छा यहाँ पे दोनों साइड लॉक लगा हुआ है। ओके एक बार पूरा खोल के बता दो। ये हो गया रेडी। अच्छा ये प्रॉपर रेडी हो गया अभी। यस ये इजी टू अनफोल्ड है, मतलब प्लग इन प्ले वाला।
ओके, अभी एक बार आपको नजीक से बता देता हूँ। और इसका कलर भी बहुत लाइट है। अभी अजय भाई ने टोटल 4 वैरायटी बताई दी है अभी टेबल में। अभी ये भी एक बड़ा टेबल है, आप ये देख सकते हो। चलो अभी अजय भाई इसके बारे में बताओ। ये वाला पूरा एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम मटेरियल में है और इसका पूरा लाइट वेट है। ये पूरा साइज है 60x120 और हाइट भी अच्छी है। और ये समझो इसका वेट है पूरा 5.5 kg। अच्छा, और पूरा पोर्टेबल टेबल है ये भी? एकदम पोर्टेबल, ये सब निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी वो टेबल है उसके जैसा ही ऊपर का फ्रेम है। हाँ, ये अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, ये पूरा एल्युमिनियम है। ओके ओके, और पूरा खुल जाता है और ऐसा हो जाता है। हाँ, पूरा पोर्टेबल। हाँ, ये पोजीशन में आ गया। और अजय भाई ने अभी बताया, पहले ये टेबल बताया और दूसरा ये बताया और ये तीसरा ये बताया और चौथा ये टेबल है। पूरा ए साइज थोड़ी ज्यादा है। और आपको अभी ये दोनों चेयर भी आपको बता दी अजय भाई ने। अभी अजय भाई थोड़ा सेटअप करके बता दो ये गैस का, किस तरीके से बॉटल लगता है एक बार बता दो आप। सेटअप करके और चालू करके एक बार बता दो। ये वाला स्टोव ये बाइकर्स के लिए है। और ये जैसे अपर और लेग, अपर वेंट्स और नीचे का लेग्स जो ओपन हो जाएगा उसके बाद ये इस तरीके से फिक्स होएगा। यहाँ पे इसमें इग्निशन है तो इग्निशन का कोई टेंशन नहीं। अच्छा, लाइटर भी इसमें ही आ जाता है, माचिस की भी जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, और इसकी फ्लेम भी बहुत ही अच्छी है ऐसा लग रहा है। आपको एक बार नजीक से बता देता हूँ। ओके, थोड़ा स्लो करो अभी। ओके ओके ओके, और दूसरी भी वैरायटी है वो अभी आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी ये अजय भाई से बहुत काफी सारी सब वैरायटी है, स्टेप बाय स्टेप अजय भाई भी बता दे। चलो अभी अजय भाई दूसरा गैस बताओ। ये वाला भी देखो उसी के साइड में है जिसमें ये पाइप अटैचमेंट पाइप लगा हुआ है। इसकी वजह से ये जो गैस की बोतल है, गैस का जो टैंक है वो थोड़ा दूर रहेगा। अच्छा ओके, अभी ये चालू हो गया पूरा चूल्हा। और एक और इसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब वेट हैंडलिंग? हाँ, वेट हैंडलिंग कितनी है? 6-7 kg बहुत आराम से ले लेगा। ओके, और ये वो गैस में और ये गैस में क्या फर्क है? पाइप का ही अलग फर्क है? नहीं, ये इसमें जो पाइप है ना एक्स्ट्रा है और इसकी क्वालिटी अच्छा है। ओके ओके, अभी अजय भाई दूसरा गैस बता रहे। अजय भाई बताओ। ये वाला जो गैस है ना वो अपना हार्ड, ये वाला जो गैस है ना वो हार्ड प्लास्टिक बॉक्स के साथ में आता है जिसकी वजह से, और ये इसका पूरा पूरा लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है। ओके, जो अभी जो देखा ना उनसे भी लाइट वेट है ये वाला। इसमें दो अटैचमेंट के साथ में है, मतलब ये समझो माइनस टेम्परेचर में समझो आप गए कश्मीर ले लद्दाख स्पीति जिनका वहाँ पर भी चलेगा। उसके लिए गैस का जो टैंक है वो प्रोपेन लगेगा, बाकी ये गैस तो चलने वाला है। ओके, और एक बार एक गैस चालू करके बता दो आप। देखो इसका सब लेग्स ओपन हो जाएगा। और ये इसमें एडप्टर भी लगाना पड़ता है? ये एडप्टर ये बुटान गैस को चलाने के लिए लगाना पड़ता है, ये प्रोपेन गैस के लिए डायरेक्टली अटैच हो जाता है। ओके, ये स्क्रू टाइप जैसे फिक्स होता है। ये वाला स्टैंड है। ओके, अभी गैस चालू हो गया है प्रॉपर। आपको अभी एक बार नजदीक से बता देता हूँ। थोड़ा स्लो करो अजय भाई। और ओके ओके, आपको एक बार और थोड़ा नजदीक से बता देता हूँ। ओके, समझो ये वाला गैस आपको चलाना है तो माइनस टेम्परेचर में जाऊंगा ना, जो कश्मीर जम्मू ये कश्मीर स्पीति ले लद्दाख वहाँ उसी एरिया में
ये -27 डिग्री तक चलेगा, ये वाला देखो कैसे परफॉर्म करेगा। ओके, डायरेक्टली अटैचमेंट के बिना ही लग जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है अजय भाई। अभी दूसरा अजय भाई पोर्टेबल गैस बता रहे हैं, जिसमें जो ऊपर की साइड में 3 बर्नर्स होएगा और इसमें जो पावर आउटपुट है ये आपका जो फ्लेम है वो बहुत ही तेज है। ओके, 1400 जो पावर है उसका जनरेट करेगा, मतलब ये समझो कोई नॉनवेज वगैरह चाहते हैं या जल्दी से कुछ खाना बनाने चाहते हैं उसके लिए ये अच्छा, कोई भी जल्दी से बनाना हो तो ये गैस उसके लिए प्रॉपर। इसमें पावर आउटपुट बहुत ज्यादा है। ओके, एक बार चालू करके बता दो प्रॉपर आप। ओके, इसकी फ्लेम ज्यादा है थोड़ी, आपको एक बार नजदीक से बता देता हूँ। ओके ओके अजय भाई, ठीक है अजय भाई। अजय भाई और थोड़ा पोर्टेबल बताओ, बहुत ही कम जगह में आ जाता है, ऐसा कुछ नया बताओगे, कुछ अपडेट बताओ गैस। ये फिर ये आता है छोटा स्टोव, देखो ये वाला। ओके, ये तो किसी में भी रह जाता है, बहुत इजी कैरी कर सकते हो। ये पॉकेट स्टोव है। ओके, पॉकेट स्टोव आ जाता है इस तरीके से लगता है। ओके ओके, कुछ नहीं, एक बार चालू करके बता दो इस। ये स्पेशली बाइकर्स के लिए। ओके, नजदीक से बता देता हूँ, इस तरीके से गैस के बोतल पे ही रह जाता है पूरा सेटअप गैस का, और इसके अंदर इग्निशन भी है और यहाँ पे स्लो हाई भी कर सकते हो आप गैस। ये वाल्व है जो ऑपरेट करने के लिए है, जो इसका फ्लेम ऑपरेट करने के लिए ये वाला इग्निशन। ओके ओके, एक बार चालू करो यहाँ से, ये वाल्व से ओपन होएगा। ओके ओके ओके, ऑपरेट होएगा। ओके, अभी ये गैस पूरा चालू हो गया है, आप ये देख सकते हो। ठीक है अजय भाई। अजय भाई और दूसरा कुछ अपडेट बताओ, अभी गैस के बारे में कुछ अपडेट आया हो अभी, ऐसा कुछ बताओ अभी पोर्टेबल गैस। ये स्पाइडर स्टोव। अच्छा, स्पाइडर स्टोव गैस। ओके ओके, प्रॉपर नया डिजाइन है ये वाला। ओके, सबसे यूनिक, कोई किसी को गिफ्ट करना है तो ये बहुत ही अच्छा। ओके ओके, और पूरा मेटल का स्टील है ये। अच्छा, इस तरीके से खोलना पड़ता है पूरा, ये पूरा स्टेबल हो गया। ओके, ये 30 से 40 केजी तक वेट ले सकता है। ओके, इसमें भी इग्निशन तो है ही सब में। हाँ हाँ, उसने एक बार ये चालू करके बता दो। ओके, तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हो, ये स्पाइडर गैस था, आपको एक बार पूरा नजदीक से बता देता हूँ प्रॉपर। थोड़ा स्लो करो जय भाई। ओके, अभी थोड़ा फास्ट करो। ओके ओके, आप ये अभी देख सकते हो, स्पाइडर गैस था, कैंपिंग में यूज होता है। ओके जय भाई, ठीक है। तो अभी अजय भाई दूसरा गैस बता रहा है फिर से, अभी स्पाइडर गैस तो दिखाया, अभी ये भी दूसरा कैंपिंग में यूज होता है वो अभी गैस है। बहुत सारी वैरायटी है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो देखते ही रहो, मेरा वीडियो स्किप मत करना। ये वाला हेवी पावर स्टोव। अच्छा, हेवी पावर स्टोव है, और ये पाइप क्या, कितना मीटर है पाइप? ये बाकी की कंपैरिजन में इसका पाइप का लेंथ ज्यादा है। ओके, इसका पाइप का ज्यादा है लेंथ। लेंथ इसका ज्यादा है, इसमें भी इग्निशन तो सब में ही है। ओके ओके, लेकिन ये बहुत ही हाई पावर है। हाई पावर है वो, देखा ना 3 फ्लेम वाला, इसमें ये 5 फ्लेम। ओके, इसमें 5 फ्लेम है। एक बार देख लो आप इसका पावर। ओके ओके, एक बार बता दो चालू करके।
अभी आप ये देख सकते हैं 5 फ्लेम है इसमें। आपको एक बार पूरा नजदीक से बता देता हूँ। अजय भाई थोड़ा स्लो कर दो, अभी थोड़ा करो। ओके, अभी आप ये देख सकते हो इसकी फ्लेम बहुत ही ज़्यादा है। इसका वही से आप पता चल जाएगा कि कितना होगा पूरे। ठीक है अजय भाई। और अजय भाई नीचे वो ड्रोन जैसा बैग में क्या लग रहा है बताओ एक बार। ये भी स्टोव ही है भाई, देखो। अच्छा, ये भी स्टोव ही है, बॉक्स है। अच्छा, एक बार बता दो पूरा खोल के। और ये गैस का नाम क्या है? ये ग्रिल स्टोव। ओके, ये विंटर में भी चलेगा। ओके, विंटर में भी चलेगा। ओके, एक बार पूरा खोल के बता देते हैं अजय भाई और फिर चालू करेंगे। ओके ओके, और इसकी स्टील की क्वालिटी भी ज्यादा बहुत अच्छी लग रही है ऐसा लग रहा है। और एक बार चालू करके बता दो अजय भाई। ओके okay. चलो अभी एक बार नजदीक से बता देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। ओके okay. थोड़ा स्लो करो अजय भाई। ओके okay. ओके okay. अभी आप ये देख सकते हो ये क्या नाम है इस स्क्रैच का? विंटर में बहुत ही काम का चीज है। अच्छा, विंटर में बहुत ही काम आता है गैस। ओके ओके, ठीक है अजय भाई। बहुत है इसका पावर। ठीक है अजय भाई। और अजय भाई आपके पास सूटकेस में कैरी करते हैं सब लोग ऐसा कुछ गैस है तो बताओ एक बार। वो भी है ना, दिखाता हूं। अच्छा, वो भी आपके पास है? उसमें भी प्रीमियम क्वालिटी दिखाता हूं। ओके, उसमें भी प्रीमियम क्वालिटी है। अभी अजय भाई बताते हैं। ये रहा। अच्छा, ये रहा, ये ड्यूल पर्पस है समझो। ये घर का एलपीजी जैसे एलपीजी बोतल में भी चलाना तो चला सकते हैं और ये बटन से भी चलाना तो चला सकते। ओके, दोनों गैस इसमें चला सकते हो। ओके, ये लग गया। अभी चालू करेंगे अजय भाई। ओके, इसकी भी फ्लेम बहुत ज्यादा लग रही है, हाई लग रही है ऐसा लग रहा है देख के। अभी आपको नजदीक से बता देता हूँ। तो ये सूटकेस वाला जिसमें कैरी कर सकते हो वो गैस है अभी अजय भाई ने वो बताया। वो और ये हैवी क्वालिटी में, हैवी क्वालिटी में है। तो अजय भाई ने अभी काफी सारी गैस स्टोव में वैरायटी आपको बताई थी कैंपिंग में। जो भी गैस अभी यूज होता है ट्रैवलिंग में, वो सोलो कैंपिंग में, वो अभी सभी आपको वैरायटी मैंने गैस में बताई थी। तो अभी आपके सामने देख रहे हो ये सब कुकिंग सेट है। तो अजय भाई अभी कुकिंग सेट बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अजय भाई पहले बताओ कौन सा कुकिंग सेट आप बताने वाले हो? ये वाला देखो, कोई सोलो जा रहा है या दो पर्सन के लिए कुछ है जिसमें 1 लीटर का बाउल पॉट आता है, एक फ्राइंग पैन आता है, दो बाउल आता है, एक शब्दुल आता है और एक क्लीनिंग स्पंज। ये वाला सेम जैसे सिंगल जो दो पर्सन के लिए, ये 3 पर्सन में और ये 3 पर्सन में, दोनों में क्या डिफरेंस है? 3 पर्सन में सब बबुना वाला है और 3 पर्सन में केटल वाला जिसमें केटल 800 ml का आएगा। ये है 5 पर्सन का, 5 पर्सन है जो जा रहा है बंदा। ओके, जिसमें 5 पर्सन के लिए है ये सब भगोना वाला, ये इसमें जो केटल है। ओके, इसके बाद आता है फुल फैमिली जो 7 पर्सन के लिए आ रहा है। ओके, तो उसमें भी दो ऑप्शन है अपने पास, एक जो हैंगिंग वाला है और एक दूसरा अभी जो लेटेस्ट आया है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ओके ओके, एक बार बता दो। जिसमें आप मोमोज, मैगी, मोमोज, इडली वगैरह सब कुछ बना सकते हो। ओके, कैसा दिखता है दिखा रहा हूँ। ओके, एक बार बता दो। और ये कितने परसेंट का है कुकिंग सेट? ये 7 पर्सन का फुल फैमिली का है। अच्छा, फुल फैमिली 7 पर्सन का ही कुकिंग सेट है। ओके, एक बार नजदीक से बता देता हूँ आपको। ओके, अभी बताओ अजय भाई स्टेप बाय स्टेप आप। ये देखो फ्राई पैन। ओके, ये साइज का फ्राई पैन रहेगा। ओके, और ये है अपना जो मैं बोल रहा ना,
अपना मैगीज मोमोज वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, ये मल्टीपर्पज यूज है, ऐसे ये नहीं फिक्स है, इसमें समझो आप वैसे इस तरीके से यूज करना चाहते हैं इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ओके, इसमें मैगी और इसमें मोमोज इडली वगैरह बनाना है ना, तो बहुत इजिली ये समझो कैंपिंग में जो मजा लेना वाला है वो चीज। ओके, ये 1100 ml का, उसके साथ केटल आता है, केटल भी आता है, ओके, जो भी खाना बनाया वो निकालने के लिए। ओके ओके, इसके साथ में 5 बाउल आता है, ये स्पूल आता है जो सब्जी में कुछ उसको क्लीनिंग के लिए पंच भी है। ओके, इसमें एक दो प्लेट्स आती है, दो प्लेट्स आती है। ओके ओके ओके, ये पूरा सेट है, इसके साथ में ये आएगा मेस बैग। ओके, मेस बैग भी आएगा, और ये फैमिली के लिए बेस्ट है, 7 पर्सन के लिए, फुल फैमिली के लिए है। ओके ओके अजय भाई, तो अजय भाई अभी कौन सा कुकिंग सेट बता रहे हो आप? ये वाला है सोलो और 2 पर्सन के लिए। अच्छा, जो बाइक राइडर्स है वो कोई भी छोड़ रहा है। ओके ओके, 10 आइटम के साथ में आता है। ओके, ओके एक बार खोल के पूरा बता दो। ये इसका फ्राइंग पैन है, ये सब फोल्डिंग 0.8 mm में, तो इसका थिकनेस बहुत कम, ये बहुत जल्दी से हीट हो जाएगा और आपका टाइम। तो दोस्तों अभी एक बार आपको नजदीक से पूरा कुकिंग सेट बता देता हूँ, कितना पर्सन का है ये? सोलो और 2 लोगों के लिए है। अच्छा, सोलो और 2 लोगों के लिए है। ये 1 लीटर का पॉट है, बॉइलिंग पॉट, 2 बाउल, 1 फ्राइंग पैन, ये सर्विंग स्पून है। ओके, ये सत्तूल आएगा। ओके, क्लीनिंग स्पंज और ये स्पून कम फोर्क, फोल्डिंग स्पून कम फोर्क। ओके ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी सब वेराइटी है, सब ये 3 पर्सन वाला, ये 5 पर्सन वाला। ओके, और ये जो है इसमें केटल है, इसमें सब भगोना, इसमें okay. सब केटल है, इसमें एक केटल है, केटल के जगह सब भगोना। okay. ये 7 पर्सन फुल फैमिली, ये फुल, और okay. कोई बोलता है हम लोगों को ये सब है वो एल्यूमिनियम वाला, एनोडाइज। अच्छा, ओके, आपके पास एल्यूमिनियम वाला भी है? नहीं, ये सब एल्यूमिनियम वाला है। अच्छा, और कोई बोलता है हम लोगों को एल्यूमिनियम नहीं, हम लोगों को स्टील चाहिए। अच्छा, स्टील चाहिए तो स्टील वाला भी कुकिंग सेट है आपके पास? ओके, एक बार बता दो। इसमें जो सोलो है उसके लिए, सोलो के लिए ये 304 स्टेनलेस स्टील है। ओके, ये एक आएगा, 2 बाउल आएगा ये। अच्छा, 2 बाउल आएगा, मतलब ये बॉइलिंग के लिए और ये सब के लिए, ये और एक okay. लिड आती है, ये लिड है, ये दोनों में फिक्स हो जाएगा। ओके, okay, दोनों में फिक्स हो जाएगा। ओके, लिड एक ही आ रही, एक ही आएगी। ओके, दोनों में से जिसमें आपको हां कर रहे हो तो मतलब उसमें ये फिक्स। ओके, स्टील वाला कुकिंग सेट है। ओके ओके, ये सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन है, 3 पर्सन चाहिए। ओके, 3 पर्सन भी इसमें अवेलेबल है, जो ये जिसमें केटल वगैरह भी सब कुछ आ जाता है। इसमें जो से आई है स्टेनलेस स्टील है, इसमें कोई एक्सेसरीज नहीं आ रहा है। ओके okay. लेकिन ये जो अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी की, हाँ हाँ, स्टेनलेस स्टील में जो 304 अच्छी क्वालिटी होती है ये वाले में। ओके okay. अभी पूरा खोल दिया है अजय भाई ने पूरा कुकिंग स्टील का, कितना पर्सन का है ये? 3 पर्सन वाला कुक सेट है। ओके, 3 पर्सन वाला कुकिंग सेट है, जिसमें कोई भी एक्सेसरीज नहीं आती है। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉट है। ओके, लिड के साथ में बॉइलिंग पॉइंट है, ये है केटल। ओके, केटल, ये सब 304 ये मार्क के साथ में आ रहे हैं, 304। ओके ओके अजय भाई, और ये है फ्राइंग पैन, ये आपको okay. ब्लैक दिख रहा है लेकिन ये स्टेनलेस स्टील 430 मटेरियल का ये बना हुआ, लेकिन okay. पूरा ये स्टील है। ओके 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 अजय भाई, ये पूरा अभी आपने देखा है पूरा कुकिंग सेट है आपको, मैंने अभी अजय भाई ने भी अच्छी तरीके सब बताया दिया। तो अजय भाई ने अभी कुकिंग सेट बता दिया पूरा, सभी वेराइटी थी अभी बता दी अजय भाई। अभी कैंपिंग में जो लाइट यूज होती है वो अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं अजय भाई। तो अजय भाई पहले कौन सी लाइट आप बताने वाले हो? ये लेंटर लाइट है, जैसे इसमें 3 मोड्स आते हैं, ये हो गया लाइट। ओके ओके ओके, तो अभी कौन सी दूसरी लाइट बताने वाले हो? अभी अभी आपने एक तो बता दी, ये वाली, ये इसमें मल्टीफंक्शन है, इसमें मल्टीफंक्शन है, ये कैरेबिनर हो गया या इस साइड से सीट बेल्ट लटर है, इसमें 5 मोड्स है। ओके, ये फुल लाइट, ये डीम, ओके येलो में डीम, रेड, रेड में, रेड में पिंक, इमरजेंसी। ओके, कितना टोटल मोड कितना है बोला है आपने? इसमें 6 मोड है। 6 मोड है। ओके, इनबिल्ट लाइटर भी है, इनबिल्ट लाइटर भी है इसमें, देखो ये स्टार्ट हो गया लाइटर। ओके ओके, यहाँ पे विसल्स है,
ओके यहाँ पे टूल टूल है जो इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, स्क्रू ड्राइवर दो पेच मिल जाएगा इसमें, यहाँ पे बॉटल ओपनर है, यहाँ पे सीट बेल्ट कटर, ओके ये पीछे मैग्नेट मिलेगा। ओके ओके, और ये दूसरी कौन सी लाइट है उसके जैसे ही लग रहा है वो? इसमें ये लुमेन से 800 लुमेन का, इसमें 400 एमएच का बैटरी, इसका पावर बैकअप है 30 मिनट टू 40 मिनट। ओके, और ये दूसरी लाइट कौन सी है? इसमें स्मॉल वर्जन में है। ओके, स्मॉल वर्जन में भी है अवेलेबल। इसमें 700 लुमेन है तो सेम ही उतना ही मोड है इसमें, व्हाइट डिम येलो येलो में डिम रेड रेड में डिम इमरजेंसी लाइट। इसमें भी ये अपना सिगरेट लाइटर मिल जाएगा, वेसल्स मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, बोतल ओपनर मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, और अजय भाई आप कौन सी लाइट बताने वाले हो? ये टेंट में चलाने के लिए, इसमें नाइट लैंप में चलाने के लिए लाइट है। नाइट लैंप में चलाने के लिए इसमें थ्री मोड है, ये फुल मीडियम और लो वाला। ये फुल मोड में चलेगा 4 घंटा और सबसे लो मोड में चलेगा 8 घंटा। ये अनब्रेकेबल है, टाइप सी से रिचार्जेबल। ओके ओके ठीक है अजय भाई, और ये कैंपिंग के लिए बेस्ट लाइट है। और इसके बाद अब समझो ये टेंट के लिए लाइट चाहिए तो एक और ये भी अच्छी लाइट है, ये भी अच्छा ऑप्शन। ओके एक बार खोल के बता दो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये सबसे पहले ये टॉर्च हो गया। ओके और ये फुल लाइट, फुल लाइट डिम लाइट, डिम लाइट और इससे भी एकदम लो लाइट। इसके बाद ये मॉस्किटो रिप्लेंट लाइट है। ओके तो इसकी वजह से अपना कोई भी मॉस्किटो इंसाइड नहीं आएगा टेंट के अंदर। ओके और दूसरा इसमें ऑप्शन ये है टाइप सी रिचार्जेबल है, और सेकंड ऑप्शन ये सोलर लाइट, सोलर से भी चार्ज कर सकते हो। इसमें फुल फर्स्ट मोड में सबसे स्ट्रॉन्ग मोड है, उसमें चलाओगे तो 4 घंटा चलेगा, सबसे लो मोड में चलाओगे तो 48 आवर्स तक चल जाएगी। ओके ओके ठीक है जी भाई, और अजय भाई कुछ और नया कुछ अच्छा बताओ कुछ कैंपिंग के लिए बेस्ट। ये कैंपिंग में जो लैंटर्न आता है अपना, जैसे पुराना जैसे लैंटर्न आ रहा था वैसे ही रिचार्जेबल लैंटर्न आ गया। ओके इसमें देखो ये रेट्रो लाइट है, इसमें यहाँ से ऑपरेट होएगा, ये भी रिचार्जेबल है, इसमें यहाँ से जैसे फैन की तरह स्लो और फास्ट कर सकते हो। ओके ओके ये भी रिचार्जेबल है। सब रिचार्जेबल, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है जो सेल वगैरह से चलेगा, सब रिचार्जेबल लाइट। ओके और इसका बैकअप कितना है? इसका बैकअप भी अच्छा खासा है, 4 से 6 घंटा आराम से चल जाएंगे। ओके ठीक है अजय भाई, और अजय भाई अभी कौन सा बताने वाला हो लाइट? ये वाला अभी लैंटर्न ही है, ये भी सोलर से ही चार्ज होगा, इसमें टॉर्च के सामने और दो ऑप्शन है। ओके अजय भाई के पास काफी सारी वेरायटी है। ये टॉर्च हो गया। ओके और ये इसमें टॉर्च में 3 ऑप्शन है, ये मीडियम, ये SOS और सबसे पहले एक साइड का स्टार्ट होएगा, इसके बाद दोनों साइड स्टार्ट होएगा। okay. यहाँ पे तीसरा थर्ड ऑप्शन ये है, इसमें यहाँ से सोलर प्लस सोलर से भी चार्ज होएगा, मतलब टाइप सी और सोलर दोनों से चार्ज कर। ओके टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हो और सोलर से भी चार्ज कर सकते हो। अजय भाई और कौन सी लाइट अभी अपडेट चल रही है वो बताओ कैंपिंग के लिए बेस्ट। ये लाइट है, ये सोलर से चलेगी, ये समझो 6 से 10 घंटा तक चलेगी। ओके इसमें 5200 एमएच का बैटरी है। ओके इसका बैकअप ज्यादा होगा, इसलिए बहुत ज्यादा है, 6 से 10 घंटा तक चलेगी। ये अपना घर, ये अपना फोकस आता है, वो फोकस की तरह ही होता है। ये देखो इसमें फुल लाइट। ओके इसमें लो लो लाइट नहीं, फुल लाइट के बाद ये वाइट की लाइट, इसके बाद ये येलो, ये मिक्स दोनों, और ये लो हो गया सभी मोड में ऐसे लाइट ब्राइटनेस तरह के लो हाई हो सकती है, जितना आप करना चाहते हो इस तरह। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये टाइप ये सोलर से भी चार्ज होगा, टाइप सी से चार्ज होगा, इसमें से आपको कोई प्रोडक्ट चार्ज करना तो भी हो जाएगा, अपना मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। 5200 एमएच का बैटरी इसमें। ओके उसमें ये स्टैंड है पीछे लगाने के लिए, कहीं पे पीछे मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। ओके मैग्नेट है ठीक है इसमें, और टेंट में लगाने के लिए ये थोड़ा बैक है। ओके ओके इस तरीके से कैंपिंग में लगा सकते हो आप, ये 6 से 10 घंटा चलेगी। क्या जब और कौन सी बताने वाले हो लाइट अभी? अभी जो लाइट देखी ना उसमें ही न्यू अपडेट मॉडल है। ओके साथ में म्यूजिक भी आएगा, म्यूजिक भी आएगा ये
लाइट है ये तो चलेगी, इसमें 5200 mAh का बैटरी है, सेम है, व्हाइट लाइट ही आएगा इसमें, येलो लाइट नहीं आएगा। इसमें भी सेम ऑप्शन है, समझो आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है तो इसमें ही पॉसिबल है। ओके इस तरीके से कहीं पर भी रुक जाओ, रुक जाओ, ये एडजस्ट कर सकते हो। ओके और कितने मोड है टोटल? 3 मोड्स और है, एक ये इमरजेंसी लाइट हो गई, इसके बाद इसमें डिस्को लाइट भी होती है, ब्लूटूथ के साथ में आता है, ब्लूटूथ स्टार्ट हो गया। ओके और आप फोन भी कनेक्ट करके आप सॉन्ग बजा सकते हो, मतलब ब्लूटूथ कोई भी की डिवाइस से ब्लूटूथ कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो। ओके ओके अब इसमें अपना ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। ओके ये अपना जैसे म्यूजिक बजेगा ना उसके हिसाब से ये डिस्को लाइट वर्क करेगी, लेकिन अभी ये कॉपीराइट की वजह से इसमें अभी प्ले नहीं कर रहे। ओके ओके लेकिन अपना जैसे म्यूजिक बजाएंगे उसके हिसाब से ये प्ले होगी। ओके 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 ठीक है अजय भाई। तो अजय भाई ने अभी जितना लाइट में जितना स्टेप बाय स्टेप जितनी वैरायटी थी अभी अजय भाई ने बता दी। अभी अजय भाई आप क्या बताने वाले हो? ये बारबेक्यू में वो बारबेक्यू का आइटम है ना उसको पकाने के लिए। ओके 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 ठीक है अजय भाई। प्रीमियम क्वालिटी का है, इसमें कुछ नहीं होएगा, कहीं पे भी फ्लेम इधर उधर होने वाली बात नहीं है। ओके ओके उस फ्लेम स्टेट ही रहेगी इसमें। हाँ ये अच्छी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी इसमें, प्रीमियम क्वालिटी है। ओके ओके ठीक है अजय भाई। और अजय भाई अभी क्या बताने वाले हो आप? अभी छोटा छोटा एक्सेसरीज में दिखा रहा हूँ, इसमें देखो ये अपना खड्डा खोदने के लिए ओके शॉवल है, मिनी शॉवल। ओके एक बार खोल के बता दो। ये फोल्डिंग शॉवल है, इसमें जैसे इस तरीके से हो जाएगा, इसे भी यूज करो। ओके एक गड्ढा खोदने के लिए है। ओके ओके ठीक है अजय भाई। और अजय भाई अभी आपके पास क्या है दूसरा? अभी ये 4-in-1 कप सेट है, कप सेट है जिसमें बड़ा कप सेट, बड़ा कप है ये वाला, बड़ा है वो 600 ml का कप सेट है, ये फोल्डिंग इसके साथ में अंडर। ओके वो स्टील का है? हाँ पूरा ऐसे, इसमें हैवी क्वालिटी 304 हैवी क्वालिटी। ओके इंच छोटा है, 500 ml का है ये कप, ये है वो 330 ml का है, इंच छोटा, ये एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज मीडियम और स्मॉल, जो स्मॉल है वो 220 ml का कप है। ओके टोटल चार है इसमें, ये चार का सेट आता है और एक के अंदर एक ऐसे अनफोल्ड हो जाएगा। ओके इसके अंदर सब फोल्ड हो जाएगा, ये इसमें आएगा, ये दोनों इसमें आएगा, ये तीनों इसमें। और स्टील की क्वालिटी भी अच्छा लग रही है, ऐसा लग रहा है बेस्ट क्वालिटी। ओके इसके साथ ही एक मेश बैग आएगा जो चारों को कैरी करने के लिए। ओके ओके ठीक है अजय भाई। और अजय भाई आपके पास अब क्या है कप सेट में? ये टी कॉफी के लिए सिंगल कप है। ओके सिंगल कप है, इसका कैपेसिटी 300 ml, ये एनोडाइज एल्युमिनियम है। ओके एकदम लाइट वेट है। और ये स्टील में कौन सा लग रहा है? एनोडाइज एल्युमिनियम। ओके ओके और इसका वेट है 40 grams। ओके ओके ठीक है अजय भाई। और अजय भाई आपके पास और कौन सा गैजेट है? ये है, ये स्पून सेट है, ये पॉकेट स्पून सेट है, इसमें फोल्डिंग स्पून आएगा, फोल्डिंग नाइफ आएगा और फोल्डिंग बटर नाइफ आएगा और फोर्क आएगा, ये स्पून हो गया बड़े साइज का। ओके स्पून, ये फोर्क, ये हो गया फोर्क, तो इसमें आएगा एक बटर नाइफ, ये नाइफ नहीं है बटर नाइफ है। ओके 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 तीनों का सेट आएगा, इसको कैरी करने के लिए ये मेश बैग है, और मेश बैग पॉकेट में आ जाएगा, समझो आप ट्रैवलिंग में कहीं पर भी यूज करना है बहुत इजी। ओके ठीक है अजय भाई। अजय भाई अब क्या बताने वाले हो? अभी ये छोटा छोटा एक्सेसरी है, समझो आपका टेंट में रोप्स है जो मिसिंग हो गया वैसे। ओके तो ये रिफ्लेक्टिव, इसमें लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा ये। ओके और इसमें इसका लेंथ है 4 meters, इसमें साथ में कॉर्ड एडजस्टर आएगा जो अपना
एक बार ये लॉक कर दिया, इसके बाद में ये अपना स्ट्रॉन्ग वगैरह कर सकते हो। ऐसे ही समझो इसमें आपको कॉर्ड एडजस्टर चाहिए टू होल्स वाला, तो वो भी मिल जाएगा। ओके, सेपरेट आपको चाहिए थ्री होल्स वाला कॉर्ड एडजस्टर, तो वो भी मिल जाएगा। ओके ओके ठीक। ये है टार्क का क्लिप, है समझो कहीं पे भी टार्क या फो ये अपना टेंट कहीं से भी फिक्स नहीं हो रहा, कहीं से आपको लूप होल लग रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये यहाँ से लग जाएगा, इससे पीछे ये रॉप्स लग के हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। अजय भाई, अजय भाई ये क्या है आपके हाथ में? ये है टेंट का पॉल्स हैवी ड्यूटी, ये 30 सेंटीमीटर, इसमें 40 सेंटीमीटर चाहिए तो भी मिल जाएगा, ये पूरा हैवी ड्यूटी। उसके साथ में समझो आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो ये हैमर भी है अपने पास, हैमर भी है ये पॉल्स लगाने के लिए निकालने के लिए 30 साइज। अच्छा, ये कोई भी है प्रॉपर इसके लिए बना। ओके, टेंट में वो ये हैंड ग्रिप है। ओके, बाद इस तरीके से लग जाएगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे ग्रिप भी दिया गया। ओके, ग्रिप भी दिया है। ओके ओके। और ये वाला टेंट का जो पॉल्स है इसका तो मल्टीपल यूजेज है। ओके जय भाई, ये लास्ट आइटम क्या है आपके पास? ये है सोलर का प्लेट है। सोलर का प्लेट है, इसके साथ में यहाँ से स्टैंड आएगा। स्टैंड आएगा, इसका ये वायर का लेंथ है 3.5 मीटर। ओके, इसमें चार गैजेट है, ये टाइप सी का चार, कोई भी गैजेट्स आप रिचार्ज कर सकते हो, ये चार्जिंग कर सकते हो। सो लेकिन ये इसमें सोलर मतलब सनलाइट डायरेक्टली चाहिए, और ये 6 वोल्ट का आउटपुट लेते देगा चारों। ओके ओके, चार यूएसबी पोर्ट दिए है इसमें। हाँ, यहाँ पे चार यूएसबी पोर्ट दिया गया। ओके, आप डायरेक्टली इसमें कोई बैटरी वगैरह इनपुट है ही नहीं, समझो जहाँ पे सनलाइट आएगा वहाँ से चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके ओके, और चारों पोर्ट साथ में भी यूज कर सकते हो? एक साथ में चारों, और चारों में 6 वोल्ट का आउटपुट दिखेगा। ओके ओके ठीक है अजय भाई। अजय भाई आपके पास वाटर के स्टोरेज के लिए क्या है, उसका कुछ गजट बताओ। वाटर स्टोरेज के लिए ये समझो 10 लीटर का, इसमें 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर का कैपेसिटी आता है। इसमें ही साथ में आपको समझो नल का वाला चाहिए, टैप वाला चाहिए, तो ये okay. वाला ये सब दोनों फोल्डिंग है, ये 10 लीटर है, ये 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, इसमें भी 3 ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से okay. ये टैप करो, वाटर आएगा यहाँ से फिल्टर। ओके ओके, पूरा वाटर प्रूफ, यहाँ से नीचे से ओपन होगी, जैसे वाटर फिल करोगे इसमें okay. ये फिल करोगे ये स्टैंड जैसे बन जाएगा। अच्छा, प्लास्टिक की क्वालिटी भी बढ़िया अच्छी लग रही है। इसको समझो आप फोल्ड करना चाहो तो ये बहुत इजीली ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड भी हो जाएगा। ये बहुत ही लाइट वेट है और पानी कैरी करने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा। ओके ओके ठीक है। लास्ट अजय भाई ने सोलर पैनल बता दी, अभी आप क्या बताने वाले हो अजय भाई? ये वाला है हेडलैम्प है। हेडलैम्प है, ओके, ये रिचार्जेबल हेडलैम्प है, ये रिचार्जेबल। अच्छा, ये ट्रैकिंग के काम बहुत अच्छा आएगा। ये देखो, ये कोई भी मोड पे सेट हो जाएगा, इसमें जूम इन जूम आउट का दोनों ऑप्शन भी है। ओके, पीछे लाइट्स भी जल रही जैसे अपने चलेगा, इसमें भी अच्छा मोड है, एक ये फुल लाइट, डिम लाइट, और ये तीन मोड है। ओके ओके ठीक है जय भाई। अजय भाई अभी क्या बताने वाला हो? ये फोल्डिंग टॉयलेट है, जो फोल्डिंग टॉयलेट है जो फैमिली के लिए, जो फैमिली में कैंपिंग करता है उसके सबसे वही प्रॉब्लम होता है कि ये टॉयलेट का सॉल्यूशन है, फोल्डिंग है, कहीं पे भी रह जाएगा, इतना फोल्ड हो जाएगा। ओके, ये पूरा अपना वेस्टर्न टॉयलेट हो जाएगा, इसका मेश बैग है, टॉयलेट रेडी। ओके, 2 सेकंड्स में हो जाएगा ये। ओके, 2 सेकंड में पूरा रेडी हो जाता है, आपने अभी देखा है। चलो एक बार आपको नजदीक से बता देता हूँ, ये इसमें 130-150 केजी तक होल्ड कर पाएगा, उसका वेट का कोई टेंशन नहीं। ओके, पूरा टॉयलेट सीट बन गया। ओके, पूरा टॉयलेट सीट बन गया। ओके ठीक है अजय भाई। अजय भाई अभी क्या बताने वाले हो? ये बीच मेट है, समझो एकदम लाइट वेट, इसका 300 तकरीबन वेट साइज का सिर्फ 300 ग्राम। ओके, साइज पूरा 6x6 का होगा। ओके ओके, 6x6 का साइज हो जाता प्रॉपर, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। हाँ, ये वाटरप्रूफ है, इसमें साथ में 4 लेग्स आएगा, प्लास्टिक पैक्स आएगा प्लास्टिक का, समझो बीच में कहीं पे भी आप बैठे हो कहीं पे भी ये अपना कोने में फिक्स हो जाएगा। ओके ओके ठीक है जय भाई। जय भाई ये क्या है बॉक्स में, वो अभी पैक ही लग रहा है? ये टार्प है, टार्प है। हाँ, ये रेनी सीजन में सबसे जरूरी चीज है। हाँ, अपना कहीं पे भी टेंट लगाया इसके बगल में, ये खाना बनाने के लिए बैठने के लिए जो टार्प रहे उसमें, इसमें साइज 10x10 फीट है और 2 पोल्स आएगा जिसका हाइट होएगा 7 फीट। ओके ओके, एक बार बता दो अजय भाई, ये पूरा फिक्स तो नहीं हो पाएगा? हाँ, अभी थोड़ा, अजय अभी थोड़ा देखा दे सकते हो थोड़ा,
ये कैरी बैग है? कैरी बैग है। ये मटेरियल के साथ में ये दोनों पॉल्स है, छह रॉप्स है, छह पैक्स है। ओके ओके ठीक है। छह पैक्स, छह रॉप्स और ये पॉल्स, दो पॉल्स है, दोनों का हाइट है 7-7 फीट। ये क्लॉथ का साइज है 10x10 फीट, मीटर में कैलकुलेट करें तो 3x3 मीटर। ओके ओके ठीक है अजय भाई। तो अभी अजय भाई ने काफ़ी सारी अभी आइटम बता दी कैंपिंग के लिए, सभी एसेसरी बता दी, ए टू जेड अभी एसेसरी बता दी। अभी आप देख सकते हो पूरी ए टू जेड एसेसरी यहाँ पे ही है, आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वीडियो में बता दूंगा और पूरा आप ये देख सकते हो, ये पूरा कैंपिंग का टूल्स है, गजेट कुछ भी आप बोल सकते हो, पूरा ए टू जेड कैंपिंग के लिए एसेसरी सब अवेलेबल है सूरत गुजरात में, तब ऑल इंडिया में, और डिलीवरी भी कर सकते हो अजय भाई, ऑल इंडिया में डिलीवरी भी कर देंगे। हाँ, कुरियर ट्रांसपोर्ट दोनों सर्विसेज अवेलेबल। ओके तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और मेरी चैनल पे आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। और ये मेरा कैंपिंग के लगता है मेरे पूरा वीडियो एसेसरी का मैंने बनाया था, तो आपको ये कैसा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अजय भाई के पास यहाँ पे आप कुछ भी, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अजय भाई आपको बताने के, मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।